हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजन आपके अपने चैनल ऑल न्यू कबूतर टिप्स एंड ट्रिक में आपका स्वागत करता हूँ। सो गाइज, आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपके पालतू जानवर सारे ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, तो आज की वीडियो ये होने वाली है। सो गाइज, तो एक बहुत ही दोबारा से बुरी खबर है और आप लोग इस बुरी खबर का मतलब समझ सकते हो कि कोई ना कोई कबूतर ही दोबारा हमारा जा चुका हमारे बीच से। सो गाइज, तो यार रियली में यार वो इतना प्यारा कबूतर था कि मतलब जो उसकी तारीफ करूँ ना वो कम है। जो उसका पूरा जोड़ा था वो भी बहुत प्यारा था। सो गाइज, जब से वो बीमार हुआ, मेरे हिसाब से वो इसलिए हुआ क्योंकि आप लोगों को पता है मेरे कुछ कबूतर अभी बीच में मर गए थे। 21 कबूतर 18-20 के आसपास भाई मेरे कबूतर मर गए सारे के सारे। उसमें से एक उसकी एक मादी भी थी। जब से वो गई मादी, सही हकीकत में मेरा ये मानना है कि जब से उसकी मादी गई, जब से वो बेचारा मतलब डिप्रेशन में चला गया एक तरह से। सो गाइज, तो थोड़ा दुख भी हो रहा बोलते समय कि मतलब आज वो हमारे बीच में नहीं है। बाकी कोई नहीं यार, क्या कर सकते हैं। जस्ट वो मेरे सामने ही पड़ा हुआ। मैं अभी छत पे कबूतर ही खोलने आया, जैसे कि देख सकते हो बिल्कुल शाम हो रही है और कल वैसे ही बारिश हो चुकी है, तो इस वजह से गाइस थोड़ा ठंडा मौसम हो रखा है। बाकी कोई नहीं यार, वो मेरे सामने ही पड़ा हुआ है तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ और जो उसकी हालत कर दी ना मेरे कबूतरों ने, वो आप गैस नहीं कर सकती कि उसको हुआ क्या है। मर तो गया ही बेचारा, बट उसकी जो हालत मेरे कबूतरों ने ऊपर से और कर दी, वो क्या ही बताऊँ। आप लोग खुद देखो, फिर आप लोगों को पता चलेगा। तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहो। उसकी जो छोटी सी हिस्ट्री है मेरे बीच में जुड़े रहने की थी, वो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है भाई, मैं औरों की तरह नहीं हूँ, बहुत भाई चैनल पर यूट्यूब पर है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। बट गाइज, जो भाई मेरे कबूतर मरते हैं जीते हैं जैसा भी होता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये भाई मेरी सच्चाई है, ऐसा नहीं मेरा कबूतर मर गया तो फेंक दिया, नहीं भाई। दिखाऊंगा जब भी जो कुछ करना होगा, दिखाने के बाद करूँगा, चाहे फेंकूँ चाहे गाड़ूँ चाहे कुछ भी करूँ, ठीक है। दिखाने के बाद करूँगा और दिखाऊँगा और रीज़न बताऊंगा कि क्यों मरा, ठीक है। बाकी कोई नहीं, चलते हैं अपने कबूतर दिखाते हैं। लास्ट टाइम अपना कबूतर को मैं अपने कैप्चर करता हूँ कैमरे में और फाइनली उसको अलविदा कह देंगे अपने बीच से। दिमाग ख़राब हो रहा है भाई, क्या करूँ, छोड़ो यार, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, तो फाइनली मैंने सारे ही कबूतर खोल दिए हैं और उसको मैं अपने पास ले आऊँ, क्योंकि यार कुछ जो उसकी पल थे जो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, और जो उसकी कंडीशन, जैसे कि वो मर गया और उसकी ऊपर से और ज़्यादा उसकी बुरी हालत कर दी इन कबूतरों ने। तो गाइज, कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो गाइज, फाइनली वो अब मेरे सामने है। गाइज, पता है एक चीज़ बोलना चाहूँगा, वीडियो को मैं स्टार्ट तो कर ही चुका हूँ, बट काफ़ी भाई कमेंट्स करते हैं कि यार मर तो गया बट तू दिखाता क्यों है। तो गाइज, जैसे कि मैंने इंट्रो में ही बोला था, मैं औरों की तरह नहीं हूँ, चाहे कोई भी हो चाहे किसी कैसा भी हो भाई। गाइज, जो मेरे साथ होता है ना, बुरा हो अच्छा हो, सब आपके साथ मैं रिकॉर्ड करता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइज, ये एक हमारा बहुत ही प्यारा काला कबूतर था और गाइज ये आया यहाँ से था, इसको मैंने कोई ख़रीदा नहीं था। ये गाइज एक हमारे यहाँ पे गार्डन है, हमारे यहाँ जो करावल नगर के भाई हैं उनको तो पता ही होगा, एक हरिओम गार्डन है, ओके। और गाइज ये वहाँ पर बैठता था, जंगली कबूतर था। गाइज ये जंगलियों में 1.5 महीने रहा वहाँ पर, पता नहीं एक दिन इसको क्या हुआ अचानक ये, मतलब मैं तो जॉब करता था तब, क्योंकि यार बहुत पुराना हो गया है मेरा कबूतर, ये अब तो है नहीं हमारे बीच में बट था, ठीक है, बहुत पुराना था। तो गाइज हुआ क्या था, मैं जॉब करता और मैं को कहानी पता है, क्योंकि यार जब मैं जॉब करता था ना तो मेरा भाई कोई कबूतर पकड़ता था या भगा देता था तो मुझे बताता ज़रूर था, ओके। तो हुआ क्या, फाइनली गाइज एक दिन ये जंगलियों के पीछे पीछे ये आया। गाइज, जो ये छत दिख रही है ना, ये वाली ये टंकी वाली छत, यहाँ पर ये बहुत सारे जंगली दिन में भी आ जाते हैं अधिकतर, तो इस वाली छत पर आया, ठीक है। फाइनली यहाँ पर आया, तब हमारा लॉफ्ट ना, ये वाला लॉफ्ट ना यहाँ नहीं था गाइज, पहले हमारा लॉफ्ट यहाँ हुआ करता जहाँ पर मैं इस टाइम बैठा हुआ हूँ, ठीक है। आप लोगों को पुराना वाला लॉफ्ट मुझे पता ही होगा, तो वो वाला लॉफ्ट था और मेरे कबूतर ऐसी बाउंड्री पर बैठे रहते थे। तो बिक्की ने दाना वाना मारा होगा पीछे वाली छत पे, पीछे वाली छत भी आपने देखी रखी, ये रही जैसा कि देख सकते हो। सो गाइस, तो छत पे दाना वाना मारा फाइनली और गाइस हमारा जो कबूतर था वो उतर गया और थोड़ी देर बाद मतलब घूमा फिरा और मतलब भूखा था, पता नहीं शायद उसको दाना नहीं मिला या क्या हुआ, कुछ नहीं पता बाकी मुझे। तो उन्हें दाना वाना मार के पकड़ लिया इसको, ठीक है, पकड़ भी आ गया। गाइस ये देखो इसका नसीब कि मेरे भाई ने इसे पकड़ भी लिया, जंगली कबूतर को जो कि 1.5 महीने से जंगलियों में था, पकड़ लिया, कोई दिक्कत नहीं गाइस। और भाई काफ़ी अच्छा था, मतलब यार अब तो ये पता नहीं अजीब सा हो गया 5-6 महीने से, जब से मतलब इसकी मादी तो थी बट गाइस पहले ये बहुत हट्टा कट्टा हुआ करता था, फिर इसका फाइनली एक हमारे पास मादी थी जो कि मेरे 20-25 कबूतर ही, मतलब 20 के आसपास, मतलब 20 तो मैक्सिमम मरे ही हैं। मतलब ये 2020 जो है गाइस मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा रहा और अच्छा भी रहा, बट कबूतरों के मामले में और मेरे फैमिली मैटर में कहीं से कहीं तक मुझे अच्छा नहीं लगा 2020। हमारा यार नुकसान ही नुकसान हुआ इस टाइम, इस साल बेशक कुछ चीज़ें हमने थोड़ी बहुत अच्छाइयाँ करी, मतलब वो ये 95% हमने बुराइयाँ सही, मतलब जो भी हमारे साथ दुर्घटना हुई या जो भी हुई, ठीक है, 5% कुछ अच्छा हुआ थोड़ा बहुत, वो हमारी मेहनत से और थोड़ा
देखभाल से जो भी जैसा भी कुछ समझ लो वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी 100% तो हमारे कबूतरों का लॉस ही लॉस हुआ है, जो कि हमारे कबूतर है ना लॉस ही लॉस हुआ 100% पूरा, क्योंकि हमारे 20-25 कबूतर मर गए पहले ही। ओके, और फाइनली कुछ कबूतर अभी अब दोबारा नए करे हैं और कुछ बहुत पुराने हैं और कुछ लोग आ जाते हैं खुद ही, और कुछ हमारे विपिन भाई ने दे रखे हैं 10 कबूतर, तो विपिन भाई के ही हैं 10-12 कबूतर हमारे विपिन भाई के ही हैं छत पर। ठीक है, तो गैस ये भी आया था वहीं से और काफ़ी। और एक चीज़ और बता दूँ भाई, मेरे कबूतर बहुत कम है खरीदे हुए, ठीक है, सब भगवान की देन है, जो कि ऐसे खुले छोड़ देता हूँ खुद पर खुद आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं पूरे दिन बैठ कर छेड़े लगाता हूँ, नहीं भाई, शाम को 5 बजे कबूतर खोलता हूँ, 1 घंटा खोलता हूँ, आधा घंटा बंद कर दिया फिर चला गया, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये भी ऐसा ही था, तब तो उस टाइम सुबह खोल देता था मेरा भाई, क्योंकि मैं जॉब पर चला जाता था, उसको भी स्कूल जाना होता था, इस वजह से गए सुबह जल्दी कबूतर खोल देता था, तभी हमारे कबूतर जी आए थे, ठीक है। और फाइनली आज ही हमारे 20 से जा चुके हैं, और ये गाइस मरा इस वजह से, मैं आप कंडीशन बताता हूँ, अब इसकी पूरी हिस्ट्री तो बता दी आप लोगों को मैंने। और गाइस सबसे पहला रीज़न तो इसका ये है, इसको हमारे कबूतरों ने खुद मारा इतना कि क्या ही बताऊँ, मतलब इसको मारा ऐसा है, आपको बताता हूँ क्यों मारा है। इनकी भी थोड़ी बहुत भूल थी और इन हमारे कबूतर की जान जा रही थी बेचारे की, तो हुआ क्या, ये अब ऐसे है लंगड़ा था पहले, तो लंगड़ाने की बीमारी इसकी शुरू से ही थी, पकड़ा था उसके थोड़ी 1-1.5 महीने बाद से लंगड़ाने की बीमारी आ गई इसके अंदर, और सही हुआ भाई, लंगड़ा सही हुआ, मेरा लंगड़ेपन में ही खूब अच्छा उड़ता था, खाता था, पीता था, ठीक है। हुआ क्या गाइस, ये जो है तड़प रहा होगा फाइनली ऐसे ही, और कबूतर कोई अगर झुका हो या तड़प रहा हो तो आप लोग देखते होगे, ठीक है, आप लोग देख भी सकते हो, वो ना बैठ ही मारने की कोशिश करेगा, मतलब इसके साथ मीटिंग करने की कोशिश कर रहा होगा कोई, तो गैज ये तो तड़प रहा होगा, हिल डुल रहा होगा, तो कबूतर उस पर चोंच मार रहे होंगे। और फाइनली हुआ क्या गैज, इसके ना बहुत ज़्यादा जख्म कर दिया, मतलब ये देखो गैज, यहाँ ऊपर देखो यार, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है मुझे। और भाई मैं छत पे नहीं था यार, मैं तो यार 5 बजे कबूतर खोलने आता हूँ, तो हुआ क्या यार, मैंने देखा तो वहाँ पर फाइनली पड़ा हुआ था, ये गेट पर ही जहाँ पर बैठता था, ये वहाँ से नीचे गिरा हुआ था मतलब, ठीक है। और आज हमारे बीच से हमारे कबूतर जा चुके हैं काले महाशय, कुछ नहीं कर सकते यार, मतलब इनकी ज़िंदगी यार मेरे को ऐसी लगती है कि मतलब इनकी ज़िंदगी कैसी है यार, बेचारा मर गया, इसके ना रोना धोना कुछ नहीं, जो है मैं ही हूँ यार बेचारे का, जो भी ख्याल रखता था जैसा भी यार, जो कबूतर जब चला जाता है ना यार इतना बुरा लगता है। और भाई ये मत कहना कि पकड़ पकड़ के दिखा क्यों रहा है, तो शुरू में ही मैंने बोल दिया यार, मैं अपनी बस कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, और कुछ नहीं आई, ठीक है। और जो इसका ये वाला पैर है ना, ये वाला पैर इसका ख़राब था, ये देख सकते हो कितना सुखड़ा पैर है, और ये वाला पैर देख सकते हो कितना हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा था, ये सुखड़ा पैर है, इसी पैर से लंगड़ाता था, इसमें कि मैंने पजेब भी निकाल दी थी, इस वाले पैर में पजेब है, घुंघरू है, ये देख सकते हो गज, इसमें कि मैंने निकाल दी थी क्योंकि लंगड़ाता शुरू से था, तो मैंने एक में ही छोड़ रखा था। और गज जब ये गुटकता था ना, इसकी गुटकी आप देखना पहली वीडियो में यार, मतलब क्या ही गुटकता था ये कबूतर हमारा यार, कुछ कर नहीं सकते बस भाई, मैं वीडियो बना सकता हूँ और बता सकता हूँ, अब ये जा चुका हमारे बीच से, भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, बस ये छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करी। और ये मैंने कैप्चर इसलिए करा कि लाइफ टाइम में आगे कभी जाता हूँ तो मेरे याद तो रहेगा कि मेरा ये कबूतर गया और आया, इसी वजह से गाइस मैं सारी वीडियोस आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। बाकी हमारा ये बेचारा छोटा सा कबूतर जा चुका है, बहुत बुरा लग रहा है डेली में। और मैं दाना वाना देने आया था, जैसे कि देख सकते हो यार, भर के दाना ला रखा हूँ, ठीक है, कुछ नहीं कह सकते यार, एक आधा कबूतर और बीमार है, बच्चे इतने सारे निकलो यार, बच्चे भी मरते जा रहे हैं धीरे धीरे, क्या कर सकता हूँ, मतलब 2020 ना मेरे यार बहुत ख़राब गया कबूतरबाजी के रिलेटेड में, बहुत ज़्यादा ख़राब गया, क्या ही बताऊँ आप लोगों को यार, मतलब कुछ कह नहीं सकता मैं, अब जो हो सकता है वो सह सकता हूँ और देख सकता हूँ और आप लोगों को दिखा सकता हूँ। बाकी कोई नहीं, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोग कहोगे बकचोदी करता चला गया, तो गाइस छोटी सी वीडियो थी मेरी इस कबूतर के रिलेटेड, छेड़ाखानी जो भी, मतलब छेड़ाखानी कह रहा हूँ, जो भी हमारे बीच में इनने हमारे साथ 2 पल बिताए और मैंने इसके साथ बिताए, बाकी चला जाता है, अफसोस कर सकता हूँ गाइस मैं थोड़ी देर तक, बाकी कुछ नहीं कर सकता मैं इसके साथ अब, ठीक है। इलाज भाई ये मत बोलना, कल ही मैंने इसको दवाई खिलाई है, रेगुलर दवाई खिलाता आ रहा हूँ दर्द की जो होती है मतलब। और एक मेरा ये सिराजी कबूतर है सामने, ये देख सकते हो, आपने मेरी पहली वीडियोज़ में देखना, ये जो सिराजी कबूतर है ना, ये लंगड़ा था कम से कम 10-12 दिन से, खुद पर खुद ये भी लंगड़ा हुआ, इसको मैंने कल इसको एक खुराक खिलाई और एक खुराक इस मारे अपने काले कबूतर को खिलाई, वो भाई बिल्कुल टकाटक सही हो रखा सिराजी कबूतर हमारा, पूरे पंजे रख रहा है, दोनों के दोनों चल फिर रहा है। बट गज मैंने सोचा था ये भी थोड़ा बहुत खाएगा तो क्या पता कुछ फ़र्क आए, बट फ़र्क तो कुछ नहीं आया, बेचारे हमारे बीच से ही चला गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कल ही यार कि जा सकता है, और आज हमारे बीच से ही चला ही गया, फाइनल कुछ नहीं कर सकता। और इसकी मादी भी चली गई, थोड़ा बहुत इस वजह से डिप्रेशन में चला गया था मेरे हिसाब से, तो कोई नहीं यार, कुछ नहीं कर सकते, अब मैं
बस वीडियो बनाया मैंने आप लोगों को दिखाया, बाकी आप लोग कमेंट्स देखता हूँ कैसे कैसे आते हैं। अब ये मत बोलना कि तू क्यों दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, बहुत बुरा लगता है रियली में। बस मैं जैसे कि मैंने बोल दिया, बस ये कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ मैं आप लोगों के साथ। बाकी कोई नहीं यार, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मज़ा तो नहीं आएगा, दुख भरी कहानी थी मेरी और आप लोगों को मैंने सुना दी, ठीक है। बाकी मज़ा नहीं आया, मज़ा नेक्स्ट वीडियो में आएगा ज़रूर, टेंशन मत लेना। सो तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखे, अपने पालतू जानवरों का ध्यान रखे, कुछ भी पाल रखे हो सबका ध्यान रखो यार, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।